यमन के हूथी इसराइल के खिलाफ जबरदस्त एक्शन में है। हूथी विद्रोही हमास के समर्थन में अब तक इसराइल पर रॉकेट और मिसाइल दागते थे। अब हूथी विद्रोहियों ने इसराइल के एक जहाज को ही अगवा कर लिया। 25 क्रू मेंबर्स को बंधक तक बना लिया गया। लाल सागर में हूथी विद्रोहियों ने किस तरह जहाज को हेलीकॉप्टर से अगवा कर लिया है, ये भी कूद कर आपको दिखाएंगे और ये आपको देखना भी जरूर चाहिए। लाल सागर में गैलेक्सी लीडर तेजी से बढ़ता जा रहा है। तुर्की से इस जहाज ने भारत के लिए यात्रा शुरू की, लेकिन भारत पहुंचता उससे पहले ही हूथी लड़ाकों ने लाल सागर में इसराइल के मालवाहक जहाज को अगवा कर लिया। इसके लिए हूथी विद्रोहियों ने एक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया, जिससे वो इस जहाज में कूदे और फिर क्रू को बंधक बनाते हुए इसे अपने कब्जे में ले लिया। गाजा की आग क्या अब यमन में भी विध्वंस और तांडव मचाएगी? हूथी विद्रोहियों ने इसराइल को अब तक का सबसे बड़ा जख्म दिया है। सवाल है, क्या यमन होगा इसराइल का नेक्स्ट टारगेट? इसराइल यमन में गाजा जैसा ऑपरेशन चलाएगा? हमास के बाद हूथी विद्रोहियों पर टूटेगी इसराइली सेना? हूथी विद्रोहियों ने इसराइल का जहाज ही अगवा कर लिया। लाल सागर में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर आइजनहावर पर पहरा है। आइजनहावर एयरक्राफ्ट कैरियर दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। इसकी साइज और शेप से बड़े बड़े दुश्मन कांपते हैं। इसे अमेरिका ने यमन के हूथी विद्रोहियों से इसराइल को बचाने के लिए ही लाल सागर में उतारा है। परमाणु हथियारों से लैस इस युद्धपोत के बावजूद यमन के हूथी एक इजरायली जहाज को अगवा कर ले गए। हूथियों ने कहा है कि जहाज के क्रू मेंबर्स के साथ इंसाफ इस्लामिक कानून के मुताबिक किया जाएगा। كان من نتائجها الاستيلاء على سفينة إسرائيلية واجتيادها إلى الساحل اليمني. إن القوات المسلحة اليمنية تتعامل مع طاقم السفينة وفقا لتعاليم وقيم ديننا الإسلامي. إن القوات المسلحة اليمنية تجدد تحذيرها لكافة السفن التابعة للعدو الإسرائيلي أو التي تتعامل معه بأنها سوف تصبح هدفا مشروعا للقوات المسلحة. इजराइल के 25 क्रू मेंबर को हूथी विद्रोहियों ने बंधक बना लिया। हूथी विद्रोहियों ने जानबूझकर इजराइल के शिप को अगवा किया ताकि उसके क्रू मेंबर को बंधक बनाया जा सके। हूथी विद्रोहियों ने इजराइल को खुली धमकी दी है कि हमास के खिलाफ इजराइल ने गाजा में हमले बंद नहीं किए तो वह इजराइल के दूसरे जहाजों को भी अगवा करेंगे। अगवा जहाज इजराइल के एक बिलेनियर का है। जहाज पर क्रू मेंबर सिर्फ इसराइल के नहीं है बल्कि बुल्गारिया, फिलिपिनो, मैक्सिको और यूक्रेन की नागरिकता वाले भी शामिल हैं। हमास के साथ दिखने और इसराइल के खिलाफ खड़ा होने के लिए हूथी विद्रोहियों ने एक के बाद एक रॉकेट और मिसाइलें दागी इसराइल की तरफ, लेकिन लाल सागर से कोई भी जहाज इसराइल का अगवा नहीं कर सके। दरअसल हूथी विद्रोहियों को भी ईरान का ही समर्थन हासिल है और जिस तरह से ईरान शिया बहुल मुस्लिम देश है उसी तरह से हूथी विद्रोही भी एक शिया संगठन है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि पूरा गाजा उजड़ गया लेकिन ईरान हमास को नहीं बचा सका। इसराइल आग बबूला है। 7 अक्टूबर को 1400 लोगों को खोने वाला इसराइल अब तक 12,000 फिलिस्तीनियों की मौत का कारण बना है। जहाज अगवा करना तो बहुत बड़ी बात हो गई। हूथी इसराइल का तिनका भी रखते हैं तो नेतन्याहू उन्हें बख्शने वाले नहीं। लिहाजा सवाल उठ रहा है कि नेतन्याहू क्या अपनी सेना को हूथी विद्रोहियों के खिलाफ युद्ध लड़ने का ऑर्डर देने जा रहे हैं? हूथी के खिलाफ इसराइल छेड़ेगा युद्ध? इस
इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए आपको सबसे पहले 7 अक्टूबर से अब तक यमन के हूथियों के इसराइल के खिलाफ हमले की तादाद जरूर देखनी चाहिए। यमन के हूथी विद्रोहियों ने कुछ समय पहले हमास को समर्थन देने का ऐलान करते हुए इसराइल के खिलाफ मोर्चा खोलने की बात कही थी। इसके बाद उसने इजरायली सेना को निशाना बनाते हुए मिसाइल और रॉकेट हमले भी किए, लेकिन हूथी विद्रोहियों ने इजरायल ही नहीं दुनिया भर को चौंकाते हुए लाल सागर में जहाज को अगवा कर लिया। हूथियों ने लाल सागर में मालवाहक जहाज को इसलिए अगवा किया है क्योंकि उनको लगा कि ये इजरायल का है। जहाज के मालिकों को रे कार कैरियर्स नाम की कंपनी से जोड़ा गया है। इस कंपनी की स्थापना इजराइल के बड़े कारोबारी अब्राहम रामी उंगर ने की है। कंपनी के नाम से हूथियों को लगा कि यह जहाज इजराइल का है, जबकि इजराइल पीएम नेतन्याहू के कार्यालय ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि जहाज का स्वामित्व एक ब्रिटिश कंपनी के पास है और इसे जापानियों द्वारा संचालित किया जाता है। जहाज के चालक दल के 25 सदस्यों में भी कोई इजरायली नहीं है। इजरायली सेना ने कहा, दक्षिणी लाल सागर में यमन के हूथी विद्रोहियों ने इंटरनेशनल जहाज का अपहरण कर लिया है। ये वैश्विक ताकतों के लिए बड़ी चुनौती है। जहाज तुर्की से भारत के रास्ते पर रवाना हुआ था, जिसमें अलग अलग देशों के नागरिक थे। ये इजरायली जहाज नहीं है। साजिश, खून और जख्मों से भरी पड़ी है हूथी विद्रोहियों की कहानी, आपको आगे दिखाएंगे। उससे पहले 3H यानी हमास। इसराइल के खिलाफ सभी एक्टिव संगठनों को ईरान फंडिंग करता है। इन सभी संगठनों का फौरी मकसद भले ही अपने हकों के लिए लड़ना दिखता हो, लेकिन इनको खाद पानी देने वाले ईरान का असली मकसद है कि अरब जगत में उसका सिक्का चले। ईरान ने हमास के लिए अभी कुछ नहीं किया है। ऐसे में इसराइल के खिलाफ हमले कर रहे हूथी विद्रोहियों को ये सोचना चाहिए कि अगर इसराइल उनके खिलाफ हमले करेगा तो उस वक्त क्या ईरान हूथी विद्रोहियों के साथ रहेगा। इसराइल के खिलाफ खौफनाक संगठनों के एच समीकरण में यमन के हूथी तीसरा शक्तिशाली संगठन है। हूथी विद्रोहियों ने यमन की राजधानी पर 7 बरस से कब्जा कर रखा है। सुन्नी बहुल सऊदी अरब के बढ़ते धार्मिक प्रभाव के विरोध में हूथी समुदाय ने संगठन बनाया। 1990 में हुसैन बद्रुद्दीन अल हूथी ने हूथी विद्रोह की नींव रखी। यमन की आबादी में 1/3 की हिस्सेदारी हूथी समुदाय की है। हूथियों ने 2004 से 2010 तक यमन की साले सरकार की सेना से 6 बार युद्ध किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक हूथी विद्रोहियों के पास करीब 2,00,000 की सेना है, जिनके पास रॉकेट और छोटी मिसाइल जैसे हथियार हैं। यमन के बड़े इलाके में हूथी समुदाय का कब्जा है। यमन के हूथी हमास के साथ स्वाभाविक रूप से खड़े हैं। इन दोनों संगठनों का मकसद है इस्लामिक स्टेट की स्थापना, जहां पूरी तरह से इस्लामिक कानूनों के मुताबिक देश चले। ईरान इन संगठनों को खाद पानी इसलिए देता है क्योंकि ये उसके इसराइल के खिलाफ एजेंडा का पालन पोषण करते हैं। पिछले हफ्ते अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन के मुताबिक हूथी विद्रोहियों की तरफ से दागी गई उन मिसाइलों को अमेरिकी वॉरशिप ने हवा में ही ढेर कर दिया। पेंटागन की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि यमन से हूथी विद्रोहियों ने 3 मिसाइलें और कई ड्रोन लॉन्च किए थे, जो यमन से उत्तर दिशा की तरफ बढ़ रहे थे, जिससे ये आशंका जताई गई कि ईरान के इशारे पर हूथी विद्रोही इसराइल पर हमला करने के फिराक में थे। लेकिन उनका इसराइल पर हमले का प्लान तब फेल हो गया जब लाल सागर में तैनात अमेरिकी युद्धपोत ने उनकी मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराया। लेकिन दावा किया जा रहा है कि अगर हूथी विद्रोहियों की तरफ से दागी गई वो 3 मिसाइलें इसराइल तक पहुंच जाती तो वहां भयानक तबाही मच सकती थी। हालांकि इसराइल के सबसे बड़े मददगार अमेरिका ने हूथी विद्रोहियों के इस हमले को नाकाम कर ईरान को बड़ा झटका दिया। लेकिन जब हूथी जहाज तक उठा ले जा रहे हैं तो जाहिर है लाल सागर में अमेरिका को चौकसी बढ़ानी होगी। यहां लाल सागर का पूरा भूगोल समझना जरूरी है क्योंकि इसराइल पर यमन की ओर से हमला इसी क्षेत्र से हो सकता है। लाल सागर के पूर्वी तट से सटे देश हैं सऊदी अरब और यमन, जबकि पश्चिमी तट से सटे देश हैं मिस्र, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती। इनमें से मिस्र और यमन के साथ इसराइल की सीधी फाइट है। यमन के हूथी इसराइल के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। हमास के संपूर्ण खात्मे के बावजूद हूथियों से इसराइल को आज ना कल दो हाथ करना ही होगा। मुश्किल यह है कि यमन हमास का गाजा नहीं है। यमन पर हमले के लिए इसराइल को ईरान से फरिया लेने की रणनीति बनानी होगी, और ये तभी संभव है जब इसराइल के डिफेंस फोर्स यानी IDF ये ऐलान कर दे कि उसने हमास के अंतिम आतंकी को मार गिराया है। गाजा में ऑपरेशन कामयाब हो गया है।